डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वे डॉन के दुश्मन हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने लंबी फिल्मी करियर में कई यादगार डायलॉग बोले हैं, लेकिन डॉन फिल्म का डायलॉग आज भी हर किसी की जुबान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शानदार फिल्म सिर्फ फिल्म निर्माता नरीमन ईरानी को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए बनाई गई थी, लेकिन असल में इस फिल्म के जरिए अमिताभ के करियर की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। हिंदी फिल्म डॉन को याद करके अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपने जज्बात साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है, कुछ यादें। नूतन जी, मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के साथ फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड लेते हुए, प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी, चंद्रा बरौट डायरेक्टर, जया और मैं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में। फिल्म रिलीज हो पाती उससे पहले ही हमने प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को खो दिया था। मैंने अवार्ड उनकी पत्नी को समर्पित किया था। ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म निर्माता नरीमन ईरानी के सिर पर चढ़े 12 लाख की कर्जे को उतारने के लिए ही बनी थी। दरअसल ईरानी पहले सिनेमेटोग्राफर थे, बाद में उन्होंने दो फिल्में प्रोड्यूस की थीं, लेकिन वो चली नहीं और उन पर 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया। लिहाजा उन्हें आर्थिक मंदी से उबारने के लिए ही एक और फिल्म बनाने की सलाह दी गई। इसके बाद एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश शुरू हुई जिस पर फिल्म बनाई जा सके। उस वक्त सलीम जावेद की जोड़ी के पास एक स्क्रिप्ट थी जिसे कोई नहीं ले रहा था। उस स्क्रिप्ट का टाइटल भी फिक्स नहीं था, केवल एक कैरेक्टर डॉन पर वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जब नरीमन ईरानी ने सलीम खान से बात की तो उन्होंने इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया और ईरानी ने हाँ कह दी। बस डॉन की कहानी शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। लेकिन जो अनहोनी किस्मत में थी वो होनी ही थी। फिल्म रिलीज हो उससे 5 महीने पहले यानी दिसंबर 1977 में ही नरीमन का निधन हो गया। और 12 मई 1978 को ये रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसके लिए अमिताभ को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और ये अवार्ड नरीमन ईरानी की पत्नी को समर्पित किया गया था।